कार दोस्तों, स्वागत करते हैं टेली न्यूज अलर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो राजस्थान किसान समाचार लेकर आए टेली न्यूज अलर्ट। राजस्थान के किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताज़ा बेहतरीन खबरों के लिए। तो बता दें, राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों यानी ऑफिसों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब काश्तकारों को सभी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की तैयारी चल रही है गहलोत सरकार की ओर से। जानिए दोस्तों, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राज किसान साथी पोर्टल तैयार करवाया जा रहा है। यह पोर्टल किसानों और पशुपालकों के लिए खासा मददगार साबित होगा। तो पोर्टल से किसानों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से तो निजात मिलेगी ही, वहीं विभागों के कामकाज में भी इससे पारदर्शिता आएगी। कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजी लाल मीणा ने पोर्टल का काम समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। पोर्टल तैयार करने के लिए कृषि पंत भवन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की गई है। तो ये अच्छी खबर दोस्तों, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सभी किसान भाइयों के पास ये जरूरी सूचना पहुँच जाए। तो बड़ी खबर है दोस्तों, बता दें आपको। तो देखिए, इसी खबर के सिलसिले में 150 ऐप हो गए तैयार। तो राज किसान साथी पोर्टल पर कुल 150 ऐप विकसित किए जाने हैं। इनके जरिए योजनाओं और खेती से संबंधित हर जानकारी किसानों को मिलेगी। कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश के मुताबिक इनमें से 20 से ज़्यादा ऐप का काम पूरा भी हो चुका है। तो प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा ने निर्देश दिए हैं कि जो ऐप ज़्यादा जरूरी है उन्हें पहले तैयार किया जाए। प्रत्येक ऐप के निर्माण की तारीख तय होगी और हर महीने इसकी समीक्षा की जाएगी। तो गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में इस ऑफ बिजनेस की तर्ज पर इज ऑफ डूइंग फार्मिंग की घोषणा की थी। उसके तहत यह पोर्टल विकसित किया जा रहा है। तो प्रक्रिया होगी सरल। बता दें आपको कि राज किसान साथी पोर्टल पर कृषि के साथ ही संबंधित विभागों की सभी जानकारियां भी एक ही जगह ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इनमें उद्यान विभाग, कृषि विपणन विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, मत्स्य पालन विभाग, राज्य बीज निगम और जैविक प्रमाणिक संस्था को शामिल किया गया है, जो कि आपके मोबाइल पर सब एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे। तो इस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, बस सिंपल साधारण काम होगा। तो कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश के अनुसार पोर्टल के माध्यम से अनुदान योजनाओं में आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा रहा है। आवेदन से लेकर किसान के खाते में अनुदान के भुगतान तक की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तो आपके खाते में पैसे आएंगे वो भी ऑनलाइन होगा, सब ऑनलाइन होगा। ये बड़ी खबर दोस्तों, खबर अच्छी लगी लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आपको बता दें मौसम समाचार। तो राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को भी कई संभागों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना जताई है। खासतौर पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने किसी भी जगह के लिए अलर्ट जारी नहीं किया है, यानी भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तो बता दें आपको कि मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बने सिस्टम के कारण 11 सितंबर तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। 17 सितंबर से प्रदेश मानसून की विदाई का दौर शुरू हो सकता है। तो बता दें कि सोमवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश का दौर देखने को मिला था। सबसे ज़्यादा अलवर जिले में बारिश हुई थी, यहाँ 2 इंच से ज़्यादा बारिश हुई, जबकि उदयपुर में 38 मिलीमीटर और जयपुर में 37 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा बता दें आपको कि बांसवाड़ा, वनस्थली और भीलवाड़ा में बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो बता दें ये बड़ी खबर दोस्तों, इस बार राजस्थान में मानसून सामान्य है। तो कि सोमवार को भी मौसम विभाग ने प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिए अलर्ट जारी नहीं किया था। हालांकि कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जरूर जताई थी। इस बार राजस्थान मानसून सामान्य रहा है और औसत बारिश के आंकड़े को छू लिया है। जून के आखिरी सप्ताह में प्रदेश में प्रवेश करने वाले मानसून की परफॉर्मेंस इस बार सामान्य रही है। शुरुआत में कमजोर दिखने वाले मानसून ने अगस्त में जबरदस्त बारिश कर औसत बारिश का आंकड़े को छू लिया है। प्रदेश सामान्य से 6% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से लेकर 3 सितंबर तक प्रदेश में सामान्यतः 362.9 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन अभी तक 385.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तो बड़ी बेहतरीन ताज़ा खबरों के लिए, किसान समाचार के लिए टेली न्यूज़ अलर्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी कोई बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।